नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी आरक्षण से संबंधित लेटेस्ट अपडेट का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबीसी 27% की सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी और फिर से ये स्टार्ट हो चुकी है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होना है, जिसमें कि याचिका क्रमांक 5901 जो कि प्रमुख याचिका है 27% आरक्षण पर ओबीसी मुद्दे की, और आज इसके साथ में 53 याचिकाओं पर सुनवाई की जाना है। और इसके जो न्यायाधीश रहेंगे वो रहेंगे अतुल श्रीधरन, इनकी खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। और क्या कुछ रहने वाला है तो दोस्तों ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है आपके सामने कि 27/12/2021 यानी कि आज के दिन इसकी सुनवाई होना प्रस्तावित है जबलपुर हाई कोर्ट में। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि क्या रिपोर्ट है ओबीसी आरक्षण की और किस प्रकार से की जाएगी सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण मामला, जहां आरक्षण संबंधी सभी याचिकाओं पर आज वेकेशन कोर्ट के समक्ष सुनवाई होनी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन के डिवीजन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। आरक्षण संबंधी मामलों पर हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करने की साफ कर चुका है बच्चा। तो वहीं 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी नई याचिकाएं भी दायर की गई है। पिछली सुनवाई में पक्षकारों की गैर मौजूदगी में हाईकोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित की थी सुनवाई। हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 53 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।